जब चाजी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। प्रोग्राम आपको जाना माना है चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। और इस प्रोग्राम में आप लोग जानते हैं ये प्रोग्राम लेकर आता है आपके लिए चिल्टन प्योर, जिनकी प्रोडक्ट्स के हम सब दीवाने हैं, बिकॉज दे आर प्योर प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल्स नहीं होते, इट्स ऑल ऑर्गेनिक, राइट। और आजकल दौर भी ऑर्गेनिक का ही है, लेकिन आज की जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, जो स्टार हैं, उनसे मिलना चाहते हैं आप, हम मिलवाते हैं आपको। नाज़रीन, आज की जो हमारी स्टार है, पहली बात तो ये है कि वो बहुत खूबसूरत है। यस, शी इज़ बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं, बहुत अपनाइयत है उनमें, अपनापन है। और उनकी हालिया जो वजह बनी फेम की, वैसे तो शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन जो उनकी फेम बन गई बाय डिफॉल्ट और बाय चांस, वो उनके प्यारे लंबे बाल हैं। यस, अगर आप भी उन बालों को लंबा करना चाहती हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है, बिकॉज बहुत सारे राज हम खोलेंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। और जर्मीन को अब कौन नहीं जानता, बिकॉज शी इज़ अ फेम नाउ और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। शी बिलीव्स कि अगर हार्डवर्क किया जाए और क्वालिटी वर्क किया जाए तो आपको फेम अच्छी तरह से साबित करने के साथ चल सकती है। तो आइए मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस जर्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, आप बहुत हमारी अपनी दोस्त बन गई। बिल्कुल ऐसे ही। क्या हुआ? एक फैमिली सा इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अक्सर गेस्ट तो मेरे रोज आते हैं शो में मेरे, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, एक अटैचमेंट, बिकॉज वो उनमें इतना अपनापन होता है, कोई रियलिटी होती है उनमें, फेक नहीं होते ना आप। ऐसे ही है, इसलिए तो आप दफा बुलाते हैं। तो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है। वैसे तो आपके बहुत सारे फैसेट्स हैं, लेकिन जो बालों का आप कहती बाल नहीं, कुछ और बातें करते हैं, बाल तो पहले बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो ये बाल लंबे इतने कर लिए, कैसे हुआ सब? आई एम श्योर बहुत सारे हमारी ऑडियंस, खासकर फीमेल्स, ये राज जानना चाहती हैं आपसे। राज तो मैं बिल्कुल, बालों का राज, राज तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। और मैं, लेकिन सब राज बताने भी नहीं है वैसे तो। हाँ, ऑलरेडी आपके शो पे कुछ मैं बता भी चुकी हूँ, और बाकी चीजें मैं अपने चैनल्स पे। एग्जैक्टली, थोड़ा बताना, बालों का शौक था? बालों का मुझे शौक था, ठीक है। रिपुंसल बहुत पसंद थी, ठीक है, और एक मुझे एक्ट्रेस बहुत पसंद थी। कौन सी? रीमा जी। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी। रीमा जी, इंस्पायर हुई हूँ तो वो, जब मैं स्टार्टिंग में उनको देखती होती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, कि वो बालों का लहराना और वो शूटिंग, ये चीजें सारी, तो मुझे लगता था एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगी। ओके, ये तो बहुत ज्यादा ही लंबे हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा लंबे हो गए, और अब तो आपकी पहचान बन गए हैं। बल्कि वीडियो जो बनाते हैं टिकटॉक के लिए, वहां भी लोग कहते हैं वाओ, ये तो लंबे बाल रियल है। बहुत लोगों ने टाइप भी किया, इज दिस फॉर रियल? यस, रियल है। मुझसे भी अभी भी सारे पूछते हैं, और सम टाइम तो टच करते हैं इसको। क्या आपने एक्सटेंशंस तो नहीं लगाए? एक्सटेंशंस नहीं है इसका ना। सही बात है। कभी ख्वाब तो नहीं ऐसा हुआ, कभी ख्वाब आया हो आपको कि मेरे बाल कट गए हैं? दिल अजीब सा हो जाता होगा। सबसे पहले मैं देखती हूं, नहीं ऐसा नहीं है। ये चीज मेरे घर में होता है। अच्छी तो फख्र फील होता है बालों पे बहुत ज्यादा। तो कैसे केयर करती हैं? इसकी चैनल पे बताएंगी आप? चैनल कौन सा आपका? मेरा ज़रीपुंजल के नाम से है, जर्मीन के साथ। जर्मीन, ZARZARMEEN RAPUNZEL। हाँ, जर्मीन रिपुंजल, वहाँ जाइए और जाके बहुत सारे राज जानिए इनके बालों के। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आपके बारे में। चाइल्डहुड कैसा था जर्मीन का? चाइल्डहुड बहुत अच्छा था और बहुत मजे का था, बहुत इंजॉय किया मैंने। और बस अपनी मामा को देख के, उनकी वो स्ट्रगल देख के, उनकी वो चीज़ें देख के, तो बस वो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा टाइम था। ज़बरदस्त है, क्या बात है। सो कब शौक हुआ कि शोबिज में जाना है? शौक मुझे स्टार्टिंग से था। मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी कि मैं प्यारी तो इतनी हूँ, प्यारी तो हूँ, तो मैंने कुछ लोगों को दिखाना कि मैं हूँ। मैं बिल्कुल दुपट्टे की वो साड़ी बना के, exactly. वो बालों पे मम्मा की चीजें यूज करके, तो मैं मिरर के सामने एक्टिंग करती होती थी। वाह, लास्ट टाइम्स। और किससे इंस्पायर्ड थी फीमेल सेलिब्रिटीज में? फीमेल में मुझे रीमा, रीमा जी एक थी। बिल्कुल, रीमा बहुत पसंद थी और मैं अभी भी उनसे मिलना चाहूंगी, और उनके साथ मेरी बड़ी विश है कि मैं उनके साथ। अच्छा, चले कभी मुलाकात हो तो आपकी मुलाकात करवा देंगे हम। नो वरीज, किसी शो में हो सकती है, आपको करवानी पड़ेगी। हाँ, कुछ भी हो सकता है, नो वरीज फॉर दैट, हो जाएगा, नो वरीज। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑफिशियली कब आप आएंगी शो में, किस साल में? ऑफिशियली मुझे लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था।
तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है और लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे। हाँ, मुझे देखना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बात होती है ना कि जब आप टीवी पे आती हैं तो आप उस शो की रेटिंग अच्छी आती है, दैट मींस के लोग आपसे प्यार करते हैं। सो आप किस में एक्सेल करना है, मॉडलिंग में कि एक्टिंग में? दोनों। नहीं, हमें जाना है तो क्लास के काम में जाना है ना। सही बात है, जबरदस्त है। क्या बात, देखा आपने कि जरमीन ऐसी ही है कि जरमीन में ना एक अपनाइयत है जो कि नजर आ रहा होगा बातों में आपको। शी इज टू गुड। अच्छा, आर यू हेल्थ कॉन्शियस? यस यू आर, जिस तरह आप है उस तरह रहती है। सो क्या खाती हैं फिर? मैं थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करती हूँ, फास्ट फूड सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तो मेरी तभी ये जॉ लाइंस और ये कर्व्स है ना, इस पे अब मैं थोड़ी सी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती आप। यस, करनी पड़ेगी। अब तो आपने अपने पलकारी ताला लगाया है खाने के मामले में? बिल्कुल ताला लगाया हुआ है। ये बड़ा एक वो होता है ना, पिज्जा बर्गर शावरमा हर चीज मैंने स्किप किया हुआ है। तभी सिर्फ सिंपल लाइफ चल रही है, घर की रोटी बस, सिंपल। ठीक है, और कितने टाइम खाना खाती है? तीन टाइम? दो टाइम खाना खाती हूँ। हाँ, एक टाइम मिस, एक टाइम स्किप करके वो सैलेड फूड इस तरह की चीजें खा लेती हूँ। सही है, जबरदस्त। देखा कि ऐसा तो करना पड़ता है। वक्त आ गया सेगमेंट हमारा चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द वीक। तुम्हारे यहाँ देखे बहुत चीजें पड़ी हैं यहाँ पर, और आज की जो हमारी प्रोडक्ट मैंने चूज की थी ना, वो है ये मेरा फेवरेट है, पता? अच्छा, मिंट। बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू है, यू नो द स्मेल इज अमेजिंग। अभी मैं खोल नहीं रहा इसको, कहीं बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी आने लग गई मुझे स्मेल। इतनी मजे की खुशबू है ना मिंट, यू नो आई लव मिंट, चाहे वो जिसी भी फॉर्म में, चाहे वो मार्गरिटास हो, कुछ भी हो। सो मिंट पाउडर आपको पसंद है? मुझे आई लव इट। हाँ, और ऑर्गेनिक मिंट पाउडर जो है ना, इट्स जस्ट लव। तो इसकी खुशबू, यू कैन, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हेल्थ के लिए। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, chiltonlife.com पे जाइए और ऑर्डर कीजिए हमारे तमाम प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल लव। सही बात है, बहुत मजा आता है इनको जानकर। शादी के प्लान्स क्या हैं जी? अभी तो नहीं, अभी तो काम कर रहे हैं, स्टार्ट हुआ है। शादी भी करूंगी, आप साथ ही हैं मेरे। हाँ। मुझे बताएं कि किस तरह का लाइफ पार्टनर पसंद है आपको? कुछ डिफरेंट सवाल कहा था ना आपने, अब मैं कर रहा हूँ, बताओ फिर। मुझे लॉयल 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 हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पैसा निश्चित है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो पैसा इतना मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली, ये भी है, बिल्कुल। पैसा हमने आजकल अपनी जरूरत बनाया हुआ है। हाँ, पैसा इतना मैटर नहीं करता, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका प्यार बहुत मैटर करता है। सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। हस्बैंड मुझे चाहिए। ओके, नाइस। सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट तो होना। हाँ, कि जो बात समझ जाए और ट्रस्ट भी करे, ताकि मैं इस फील्ड में उनको पता हो हर चीज, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक कहा आपने। अच्छा, आज तक का हैप्पीएस्ट डे कौन सा था लाइफ का? हैप्पीएस्ट डे जब मैं आपसे मिली थी। ओ माय गॉड, आई लाइक इट, क्या बात है। अब नोट किया, इस बार हमारा चौथा शो है, आज नोट किया आपने ये बात साथ में? की तो फैन। ओ माय गॉड, हाँ, आप तभी कहा था, बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त। बहुत खुश हुई थी और एक्साइटेड थी बहुत। हाँ, आई नो। कभी आंखों में आंसू आए? आते तो होंगे, एहसास तो आप हैं। तो कब आए लास्ट आंसू, किस बात पे आंसू, किस तरह की बातों पे आते हैं आंसू? इनफैक्ट जब मुझे कोई अपना मुझे कोई हर्ट करे। हाँ, वो मैं कह रहा था, हर्ट नहीं करना चाहिए लोगों को। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे अपने बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। रियली, आपका स्टार क्या है? लिब्रा। तो लिब्रन तो इतने जल्दी हर्ट नहीं होने चाहिए, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, प्यार के मामले में ऐसा? सही कह रही हैं, थोड़ी सी बात भी कोई उनको फील होती है ना, वैसे ठक करके दिल पे लगती है। ठीक कह रही हैं। और दोस्त कितने बनाती हैं आप? दोस्त तो मेरे वो अनलिमिटेड हैं। लेकिन बेस्टीज कितने हैं आपके? बेस्टीज मेरे दो हैं। ओके, नाइस। हर बात दिल की कर लेती हैं? मैं कर लेती हूँ, एक मेल है एक फीमेल है, और जो मेल है मैं उनसे बहुत ज्यादा दिल की बात चाहिए। ओके, नाइस नाइस। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फैमिली को पता है। हाँ, ये अच्छी बात, फैमिली टर्म्स हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और ड्रामे देखती हैं आप? मैं बिल्कुल देखती हूँ। कौन ड्रामा देख रही है आजकल? आजकल फितूर देख रही हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा जा रहा है, बहुत तंग कर रही है दूसरी जो लड़की आई हुई है। जबरदस्त हो गया जनाब। अभी हम जाते हैं कुछ गेम्स वगैरह साथ स्टार्ट करते। आप जानती है गेम आई होती है दिस और दैट, यानी दो ऑप्शंस देंगे, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। स्टार्ट करें फिर? बिल्कुल स्टार्ट करें। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। बुक और मूवी? मैं मूवी पसंद। मूवी, ओके। टी और कॉफी? कॉफी। ओके। चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट। नाइस। कोक और पेप्सी?
अभी दोनों नहीं। हाँ, ये भी बंद की हुई है। अभी दोनों नहीं। तभी ये कर्व्स आई हैं फेसेस की। रेन और स्नो? रेन। कार और बाइक? दोनों। ओके। कॉमेडी और हॉरर? हॉरर। पेपर और प्लास्टिक? पेपर। बोट और प्लेन? बोथ। बोथ, ओके, नाइस। पेंटिंग और ड्राइंग? पेंटिंग। ओके। रीडिंग और राइटिंग? रीडिंग। टी शर्ट्स और स्वेटर्स? टी शर्ट्स। आला, क्या बात है। फ्लावर्स और ट्रीज? फ्लावर्स। अच्छा, अब हेयर पे आ गए हैं। ब्राउन और ब्लैक? ब्लैक। बिल्कुल सही है। सुपरमैन और बैटमैन? सुपरमैन। लायंस और बेयर्स? लायंस। मिल्क और जूस? बोथ। बोथ, नाइस। गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड। क्या बात है। ब्लू और ग्रीन आइज? ब्लू। ओके। समोसे या कचौरी? दोनों नहीं। दोनों नहीं, आप बिल्कुल कुछ नहीं खाती, क्या बात है। अब फिर एक और आ गया आपके हेयर के, हमने खास निकाले आपके हेयर के लिए। स्ट्रेट और कर्ली है? स्ट्रेट। हाँ, सही है। फ्रूट्स और वेजीज? वेजीज। मायरा और मैविश? क्या बोलो? मायरा। ओके, नाइस। मनी और फेम? बोथ। ओके। सैंडल्स और स्नीकर्स? सैंडल्स। एप्पल्स और ऑरेंजेस? एप्पल। क्या बात है आपकी। और लास्ट से करते हैं आपसे, टोस्ट और एग्स? एग। क्या बात है, सब आपने ठक ठक जवाब दिए हैं। नाइस, हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं कि आप बिल्कुल सही जाती हैं हमेशा। अच्छा, कभी झूठ बोला आपने लाइफ में? नहीं, बहुत कम। मुझे वैसे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम झूठ कब बोला था। अच्छा, कभी कोई वादा किसी का तोड़ा? नहीं। वादा किया हो, टूट गया हो? नहीं। कसम भी कोई ऐसी कसम नहीं? नाइस, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपकी हर बात बिल्कुल सच है। और इस बात पर हम स्टार्ट करें एक और गेम, रैपिड फायर राउंड। जानते रहिए कि आपने जमीन की हर बात बहुत गौर से सुननी है, बिकॉज आखिर में जमीन आपसे एक सवाल करेंगी जिसका आपने जवाब देके विन करना है भाई, और वो सवाल जमीन के बारे में ही होगा। ठीक है, रैपिड फायर राउंड में स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट, बेस्ट थिंग हैपन टू यू इन लास्ट 3 मंथ्स? बेस्ट थिंग, वैसे तो सारी होती है। कोई खास चीज हुई हो? कुछ खास, आपसे मतलब हमारे 4 शोज हो गए हैं, ये बेस्ट थिंग हो गई है, मेरा ख्याल है जबरदस्त है। इफ यू कुड टीच वन सब्जेक्ट इन स्कूल, क्या टीच करती? मैं करती, मुझे वैसे अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं वो करती। ओके, फाइन है, बिल्कुल, साथ नॉलेज भी होती है। हाँ, सही कह रही हैं। योर फेवरेट बर्थडे केक? चॉकलेट। है ना, सोच के मुझे तो हो रहा है इस वक्त तो खास तौर पे। अच्छा, बचपन में बहुत सारी गेम्स आप खेलती हों, बचपन गेम याद है कोई नाम क्यूट सा? मुझे बहुत ज्यादा गेम्स याद हैं बचपन की, तो बताएं कोई दो तीन नाम। वो हम कहते हैं स्टापू खेलते थे। स्टापू, वो कौन सी जिसमें बाहर फेंकते हैं, वो क्या था? स्टापू, वो स्टापू थी ना, हाँ, वो तो फेंकते थे। विंडो के तो प्लेयर हूँ, टेनिस मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त, टेनिस जबरदस्त है। विंडो और एसले सीट, कौन सी सीट पसंद है आप? विंडो। नाइस। समथिंग यू कांट डू, तो कभी नहीं कर सकती आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। What makes you laugh, no matter what? वैसे यही होता जब आपसे मिलती हूँ। Really? हाँ, वैसे हमको अच्छे positive vibes ही आती है हमेशा। ठीक है। Must have bag item आपका? कुछ तो special नहीं। कोई भी random चीज। Your favorite holiday कैसी होनी चाहिए? Holiday. एक ideal holiday. Okay, nice, जबरदस्त। ठीक है। How do you start your day? टू ग्लास ऑफ वाटर। ओके, अच्छा, ब्रंच हो रहा है फर्स्ट करें, क्या खाना चाहेंगी उस वक्त? ब्रंच में मैं बहुत लाइट सी चीज लेती हूँ, बिल्कुल लाइट सी, वो भी जो अगर मेरी कोई फेवरेट हो, लाइक पास्ता टाइप इस तरह। ओके, सही। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर पाकिस्तान, कोई भी बता दें। पाकिस्तान। आर्ट है, नो बाउंड्रीज, पता है ना आपको। आतिफ असलम, गाना गाती भी है वैसे आप? बहुत बुरी वॉइस है। Really? लगता तो नहीं वैसे बुरी वॉइस होगी। नहीं, कोई हमिंग हो जाए एक लाइन। Oh my God. नहीं, एक लाइन आने दें, हम उसको डालेंगे हाइलाइट्स में। कोई गाना तो आपको दिल के पास हो? वैसे आजकल मैं फितूर का सॉन्ग बहुत। हाँ, बहुत अच्छा गाना है। हाँ। कुछ सुनाइए ना उसमें से। मुझे लाइन याद करने दे। हाँ, वो मिला क्यों था,
उसे बिछड़ना था वाओ नाइस, पत्थर दिल का था शायद उसे आखिर बदलना बहुत अच्छा, मतलब सही सुर उठाया आपने। ये गाना बहुत प्यारा गाया है। मैं बहुत सुनती आयमा हूँ। ने गाया है शायद, आई डोंट आई नो, एम नॉट श्योर, लेकिन आयमा की आवाज लगती तो मुझे है, लेकिन मेरे जिसकी भी है बहुत आला आवाज है। क्या बात है, कैसे रिलैक्स करती हैं आप? मैं एक्चुअली मामा जब बैठी होती है ना, जाके मैंने उनकी गोद में लेट जाना होता है, तब मैं बहुत रिलैक्स फील करती और खुशबू खास आती होगी। हूँ। और मैं उनसे कहती हूँ आप मुझे पकड़ ले और मुझे उसे हग, कहते हैं माँ की खुशबू। माँ की खुशबू। ओह यस, ज्यादातर टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ। जबरदस्त। एंड हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? बहुत ज्यादा होता है, बहुत मुश्किल होता तो कैसे स्ट्रेस को है, मैनेज रोने करते लग हैं? जाती हूँ। एग्जैक्टली, तो फिर कैसे संभालती हैं अपने आप को? जब बहुत ज्यादा होता है ना तो मीन्स कैसे दिल करता है कुछ उठा के फेंक दूँ, तो अकेले बैठ के थोड़ा सा रो लेती हूँ। हाँ नाइस, सही है। अच्छा, आर यू ब्रांड कॉन्शियस? नहीं कुछ इतना स्पेशल नहीं, ठीक है। क्योंकि सिस्टर है ना तो वो ही सब कुछ करती रहती और है। आर यू गैजेट्स कॉन्शियस होती हैं कि मैंने ये नया फोन लेना है, ये नई चीज लेनी है? मैं तो बहुत होता हूँ कि नया, मैं फोन से रिलेटेड नहीं होती, मैं क्लॉथ से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड बहुत ज्यादा होती हाँ बिल्कुल हूँ, सही, कमरे की डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा होती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मामा यस, माँ, मतलब माँ माँ होती है। माँ मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, क्योंकि माँ की मोहब्बत ना जमीन, एक बेलॉस मोहब्बत, बिल्कुल ऐसा ही इसमें है, कोई गर्ज नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं ऐसा आप, ही है। बिल्कुल सही। थ्री वर्ड्स जो डिस्क्राइब करें जरमीन को। लॉयल हूँ, सेंसिटिव सी हूँ, ठीक है, और थर्ड में क्या कहूँ, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल। बेस्ट गिफ्ट क्या मिला आपको आज तक? बेस्ट गिफ्ट क्या मिला? एक्चुअली मैंने जब अपना कुरान पाक कंप्लीट किया था तो मेरे कारी साहब ने मुझे कुरान पाक दिया था, अब तक का सबसे ओह बेस्ट यस गिफ्ट। यस, सही बात है। उससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है? योर फेवरेट सबसे रूम इन द हाउस कौन सा है? रूम मेरा या फेवरेट रूम कौन सा घर में, जहाँ आपको कॉर्नर अच्छा होता है? कुछ कॉर्नर होते हैं घर में जहाँ आपको बैठ के मजा आता जहाँ मैंने अपना रिपुंसल का पूरा सेटअप बनाया है। हुआ है। रियली किसे देखेंगे आकर क्या कैसा होगा वो? नाइस। और जनाब, टाइम भाग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आपको एक गिफ्ट भी तो देना है ना। आप खास तौर पर हमारे शो में आई हैं टाइम निकाल कर। तो जनाब, टन टन एन आ गया हमारा हेल्थ बॉक्स। ये है वो खूबसूरत हेल्थ बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। चिल्ड्रन प्योर आपसे प्यार करता है। आप हमारी खास मेहमान बनी, बहुत शुक्रिया फॉर दिस, दिस इज एन अमेजिंग वन। सो कैसा रहा? लेकिन पहले पूछते हैं पैगाम कि आप क्या प्लान्स हैं आपके आगे? प्लान्स मेरे लाइफ के ये हैं कि मैंने अपनी मामा के लिए कुछ करना है, मैं उनके लिए एक घर इंशाल्लाह, बनाना चाहती लगता है हूँ। वाकई बहुत प्यार करते। बहुत ज्यादा अटैच है क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रगल किया, इतनी सिंगल मदर बहुत स्ट्रगल हाँ किया उन्होंने, वाकई, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ अपनी मेहनत से, वेरी और मैं नाइस। इसलिए इस फील्ड में भी हूँ कुछ, और कुछ अपने लिए इस तरह से चीजें। अगर वो देख रही हैं इस पर हमारा शो, तो आंटी, ये बेटी आपकी बहुत, कहते हैं ना, दीवानी है, बहुत प्यार करती है, और शी रियली ओन्स यू। सही बात है। वैसे तो माएँ सबकी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल, ज़्यादा ही प्यार। मैं बहुत ज्यादा अटैच तो क्या होती अच्छा हूँ। बनाती खाने में वो? सॉरी, खाने में क्या अच्छा बनाती करेले हैं वो? गोश्त ओह माय गॉड, कड़वे नहीं होते वो? नहीं आला, बिल्कुल जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीन आपके नहीं। आने का। आप थैंक रॉक ऑन हैं, बहुत प्यारी हैं, यू रॉक। अच्छा, कोई पैगाम अपने फैंस को दें? कैमरा आपके सामने है। यू। मैं बिल्कुल देना चाहूंगी मैसेज के, मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस वगैरह आते हैं, और कि हमारे साथ टिप्स शेयर करें, ये करें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पे मुझे मैसेज करें, इसी तरह प्यार करते रहें, आपके सपोर्ट प्यार की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। जरमीन, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और वक्त आ गया गिफ्ट ऑफ द डे, जो आप लोग लेंगे, और सवाल होगा जरमीन के बारे में। सवाल मैं बताऊँ आपके बारे में? मैं कर लेता हूँ। यस, मुझे तो आपकी बातें सारी हिंट्स हैं इस वक्त। तो जनाब, आसान सा सवाल करूँगा मैं आपसे जरमीन के बारे में। अगर आपने पूरा शो हमारा गौर से देखा है, तो बता दें फटाफट से टाइप करके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कि जरमीन का स्टार क्या है। यस, इट्स वेरी इजी। जरमीन ने बातों में बता दिया था कि उनका स्टार क्या है, तो बता दें स्टार क्या है और ले जाए नाम, लकी वन को मिलेगा। और देखते हैं वो लकी वन कौन होगा, हम अनाउंस भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया जरमीन थैंक आने यू सो मच, का। और आपने ये यूज़ करनी है प्रोडक्ट्स, बताना भी है, आपके तो बालों के लिए बहुत कुछ है बल्कि। तो जनाब, वो ऑयल आपने ज़रूर यूज़ करना है, पर आपने किया भी होगा यूज़, अनियन ऑयल, वो बहुत उसका अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो बिल्कुल थैंक यू फॉर, थैंक यू सो मच, ऐसे और प्लीज़ स्टे इन टच।
थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बनी रिप्यूंसल, नहीं जर्मीन। इनके बाल बिल्कुल रिप्यूंसल जैसे ही तो हैं। एंड शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल एंड शी इज़ एन अमेजिंग मॉडल। और अब तो वो एक्ट्रेस भी जल्दी बन जाएंगे आई एम श्योर, और बहुत सारे काम कर रही हैं और डेस्टिंड हैं अपने एम्स और गोल्स को लेकर। सो वी विश हर ऑल द बेस्ट। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें मान बनकर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल चलतन लाइव, जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज आते रहते हैं हर वीक में। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं।